हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल काजल मन के व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स देखिए, अंकल जी बाबा जी जो हैं हॉस्पिटल से आ गए थे शाम को दवाई लेकर। उनको 5 दिन की दवाई दी है और अभी इनको लेकर जाया जा रहा है पुलिस स्टेशन में, क्योंकि इनका जो है वेरिफिकेशन का जो भी नोट्स हैं वहाँ पर देना है। और बाकी इनको अब लेकर जाएंगे, उनके सामने करेंगे कि ये बाबा जी हैं, इनको हमने यहाँ से रेस्क्यू किया है। और देखिए बाबा जी कितने मतलब अच्छे लग रहे हैं, आपने परसों भी देखा था जब मैं इनको वहाँ पर लेने गई थी। और अब देखिए इनकी कंडीशन कितनी अच्छी है। सो बाबा जी ऐसे ही तंदुरुस्त रहने चाहिए। सो इनको अब जो है लेकर आया जा रहा है खिजराबाद के पुलिस स्टेशन में। और ये रईयों वाले का जो चौक है जहाँ से मतलब अंदर को जाते हैं, ये वो रास्ता है। सो यहाँ पर कुछ मंदिर के सामने कोई प्रोग्राम सा हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर किया है, वरना फिर ढोल की वॉइस आ रही थी सो जो कि आप लोगों को अच्छी ना लगती, और इसलिए मैंने उसको फिर कट किया। सो देख लीजिए, अभी हम जा रहे हैं प्रताप नगर पुलिस चौकी, और ये बाबा के बारे में डिटेल सबमिट करना है, क्योंकि हम तो सेवा दे सकते हैं, हम इनकी ज़िंदगी बचा सकते हैं, लेकिन फैमिली ढूंढने का काम तो पुलिस ही करेगी और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पर प्रताप नगर पुलिस चौकी, और अभी बाबा उतरेंगे, फिर आप देखना कि बाबा अब कितने मस्त हो गए हैं। आज गए थे हॉस्पिटल में, हम आ गए हैं पुलिस चौकी। हम अंकल को लेकर जा रहे हैं आश्रम, और डीडीआर हो गया, पुलिस में रिसीविंग करवा दी, अब फाइनली अंकल हो गए हैं हमारे आश्रम के मेंबर परिवार। सो गाइज, बाबा जी जो हैं पुलिस स्टेशन से आ गए हैं, और यहाँ पर अनाज जी उनको इशारा कर रहे थे कि बाबा जी आपने 5 दिन की दवाई खानी है। बाबा जी का जो लेफ़्ट हैंड है वो भी टूटा हुआ, उसमें भी कुछ मेरे को प्रॉब्लम लग रही है, तो उसका भी ट्रीटमेंट करवाएंगे, करवा रहे हैं। और बाकी यहाँ पर देखो बाबा जी पूरे मतलब अपने परिवार की तरह रह रहे हैं, और ये और भी सदस्य हैं। तो नाज जी ना बोल रहे थे यहाँ पे सबको कि बाबा जी का ध्यान रखना है, ये हमारी फ्रेनी है। फ्रेनी कह रही मैं ध्यान रखूँगी, ये शिवानी आंटी हैं, इनको भी दर्द हो रहा था टांग में। सो गाइज, वीडियो का थोड़ा सा इशू रहेगा यहाँ पर, वो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि जैसी उनसे बनी उन्होंने मेरे पास सेंड की, उनका यही बहुत बहुत धन्यवाद है। सो ये थोड़ा आश्रम का व्यू था, ये हमारी विमला आंटी है। सो गाइज, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आश्रम में जाने के बाद। हेलो एवरीवन, रद रद जी कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखी जो भी आश्रम की क्लिप्स वगैरह थी, आज अंकल जी को लेकर जाया गया था हॉस्पिटल, और वहाँ पर उनकी चेकअप वगैरह हुए हैं। सो उनको 5 दिन की दवाई दी है, उनकी शुगर जो है ज़्यादा बढ़ी हुई है, इसकी वजह से उनकी जो टांगे हैं वो पकी हुई हैं, यानी कि उनमें पस डली हुई है। तो टाइम लगेगा धीरे धीरे उसको सूखने में, और फिलहाल तो 5 दिन की दवाई दी है, उसके बाद फिर से अंकल को लेके जाना है। और बाकी पुलिस स्टेशन में भी उनकी वेरिफिकेशन हो गई है, अब ढूंढना तो देखो पुलिस नहीं है उनका घर, हम भी कोशिश करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन पुलिस भी करेगी। अगर कुछ भी क्लू मिलता है तो अंकल को बाइज़्ज़त उनके घर भेजा जाएगा, हम सब जाएंगे छोड़ने, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और बाकी अंकल आश्रम में बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, सबके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि गाइस ये जो अभी वीडियो क्लिप्स आएंगे ना, ये मेरे को आश्रम से बनाकर भेजी जा रही हैं, तो थोड़ा सा अगर क्लैरिटी का फ़र्क लगे तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने में और जो वीडियो नहीं बनाते उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। लेकिन फिर भी उनका धन्यवाद है कि वो मेरे पास क्लिप्स पहुँचा रहे हैं, और मैं आप लोगों को जो है अपडेट दे पा रही हूँ अंकल की डेली की। कभी आप लोग ये ना सोचो पता नहीं अंकल को कहाँ ले गए हैं, क्या सिस्टम है, जो भी है, मतलब 100 बातें दिमाग में आती हैं इंसान के, तो इसलिए अंकल बिल्कुल ठीक हैं, आप लोगों के सामने हैं, मैं डे बाय डे जो है क्लिप डाल रही हूँ। बाकी मैं आश्रम में जाऊँगी भी, शायद कल जाऊँ, नहीं तो फिर संडे को तो पक्का ही जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास लेके जाने वाला नहीं है, अंश अभी कॉलेज जाता है, इसकी जब भी छुट्टी होगी तो मैं इसके साथ आश्रम में जाने वाली हूँ। और यहीं पे बैठा हुआ है ये, और ये है जी मेरा कैमरामैन। सो मिलते हैं आपसे।